कोरोना से निपटने के मामले में कमजोर पड़ी यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट ने कई हिदायत भी दी है। कोरोना से निपटने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अपने नागरिकों को ऑक्सीजन ना दे पाना बेहद शर्मनाक है। अदालत ने यूपी सरकार के तौर तरीके की आलोचना की और कहा कि सरकार लोगों के सुझाव पर काम करे। कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान हुए 135 लोगों की मौत पर चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। कोरोना से निपटने के तरीके पर कोर्ट के सवाल, यूपी में इंजेक्शन की मारामारी और दवा की कालाबाजारी हो रही है, सरकार माई वे या नो वे की जिद छोड़े और लोगों के सुझाव ले। पंचायत चुनाव के दौरान 135 कर्मियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिला जजों को नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले में कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी के अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है, नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं, डॉक्टर और स्टाफ थक चुके हैं। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बेड को लेकर जानकारी दी, साथ ही सूबे में चल रहे वैक्सीनेशन की डिटेल दी। पूरे मामले की सुनवाई 3 मई को होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।